वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक सभी एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन एडो पर स्वागत है। और ये जो सीरीज चल रही है प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन की चल रही है, जिसमें आपको या फिर यूपीएससी एग्जाम हो, फैक्चुअल क्वेश्चन जो आते हैं उसमें कभी कभार, या स्टेट पीसीएस हो, स्टेट पीएससी हो, या इसके अलावा अभी जो पीजीटी के भी पेपर हो रहे हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड जिसका है, उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज हम लोगों ने खत्म कर ली पूरी। 13 क्लास में हम लोगों ने जो है पूरी कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म कर ली, जिसमें हमने लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी देखे, इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में जो है इंडस्ट्री कहाँ कहाँ है उसके क्वेश्चन देखे। उसमें हमने माउंटेन भी कवर किया है, पीक भी कवर किया है, और उसके अलावा बात वाटर बॉडीज भी कवर किया है, रिसोर्स, क्लाइमेट, यानी जितने भी कॉन्टिनेंट हमने पढ़े हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में, सब के ए टू जेड जो है हमने एक एक डिटेल कवर की है। लेकिन ये सीरीज शुरू करने का मेरा ध्येय ये है कि आपको स्पेसिफिक कोई चीज़ देखनी हो तो मेजर, जैसे इसके पहले हम लोगों ने मेजर माउंटेन के बारे में पढ़ लिया है, मेजर रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया है, तो ये स्पेसिफिक क्लास आपको अलग अलग यानी ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, इसलिए ये सीरीज शुरू की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेजर सी इन द वर्ल्ड, यानी मेजर सी और वाटर बॉडीज, तो ये कुछ मेजर सी के बारे में देखेंगे। साथ ही साथ एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा, जैसे पहले मेजर रिवर के बारे में हमने पढ़ा है, तो रिवर के बारे में हमने जब मेजर जो है उसको पढ़ा है, सबसे पहले देखिए नॉर्थ अमेरिका में यूकॉन रिवर के पढ़ा, फिर मैकेंजी रिवर के बारे में पढ़ा है, स्नेक रिवर, इसके अलावा कोलोराडो रिवर, रियो ग्रांडे रिवर, इधर मिसिसिपी रिवर, और उसके अलावा लेक ओंटोरियो, लेक ह्यूरान, लेक इरी, मिशिगन लेक, विनिपेग लेक, ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट बियर लेक, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, ये सब हमने नॉर्थ अमेरिका में पढ़ लिया है। जो वाटर बॉडीज बची हैं उसको हम इसमें कवर करेंगे, जैसे गल्फ ऑफ मॉक्सिको हुआ, कैरेबियन सी हुआ, और उसके अलावा जो ग्रेट लेक्स हैं उसके बारे में, हडसन बे हुआ, इसके बारे में कवर करेंगे। कनाडा में जो ग्लेशिएटेड लेक है उसके बारे में कवर करेंगे। अमेजोन रिवर, लेक टिटिकाका, पराग्वे, पराना, उरुग्वे, सैन फ्रांसिस्को, साउथ अमेरिका में रिवर सिस्टम में हम लोगों ने ये कवर किया था। इसके अलावा बात करेंगे यूरोप में जो हम लोगों ने कवर किया था, तो इम्पोर्टेंट रिवर में आता है वोल्गा, डेन्यूब, उसके अलावा यूराल रिवर, उसके अलावा येंसी रिवर आता है, लीना रिवर, आमूर रिवर, और इधर आ जाए कजाकिस्तान, अमू दरिया, सिरी दरिया, और उसके अलावा येलो रिवर, चाइना में यांगतीजी रिवर, मेकोंग रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र, इंडस, इफ्रुट्स रिवर, उसके अलावा बात करेंगे जाम्बेजी, लिम्पोपो रिवर, ऑरेंज रिवर, नाइजर रिवर, तो ये सब हम लोगों ने रिवर देख लिया था। आज हम लोग मेजर वाटर बॉडीज देखेंगे। मेजर वाटर बॉडीज में जैसे हम लोगों ने बात की थी, जैसे हम लोगों ने बात की है कि हडसन बे, इसके अलावा ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर लेक, विनिपेग लेक, सुपीरियर लेक, मिशिगन लेक, ह्यूरॉन, ओंटोरियो लेक, लेक इरी, इन सब के बारे में देखेंगे। इसके अलावा बात करें यूरोप में तो बाल्टिक सी के बारे में देखेंगे, कारा सी के बारे में देखेंगे, उसके अलावा अरेबियन सी, रेड सी, बे ऑफ बंगाल, तो इन ओखोटक सी, इन सब सी के बारे में, वाटर बॉडीज के बारे में मेन में हम देखेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि वाटर बॉडीज होते क्या है, या सी और ओशियन में क्या फर्क है। सी और ओशियन में सबसे पहला अंतर ये होता है कि सी जो है ओशियन से छोटा होता है, और जहां पर जो है भूमि होती है और ओशियन दोनों मिल सकते हैं, ऐसा कनेक्टेड एरिया, और पार्सली जो है इनक्लोज होता है, यानी कुछ इस तरह ये सी है, थोड़ा सा लैंड से जो है
जुड़ा हुआ हुआ होगा, या फिर जाके ये जो है ओपन जो है समुद्र में मिला हुआ होगा। तो ये पार्सली इनक्लोज होता है, और इसके अलावा जो ये बंधा हुआ होता है आइसलैंड से बंधा हुआ, या द्वीप के समूह से बंधा हुआ हो सकता है, प्रायद्वीप से बंधा हुआ। जैसे प्रायद्वीप से बंधा हुआ कैसे, आप प्रायद्वीपी भारत की देखेंगे तो वहाँ पे अरेबियन सी, तो वहाँ पे देखेंगे अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। उसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं आर्कियोलॉजी, तो यहाँ जब चले जाएंगे इंडोनेशिया वाले रीजन में, तो वहाँ पे आपको आपको जो फिलीपींस सी मिलेगा वो जो है वो पार्शली इनक्लोज होगा आइसलैंड से। तो कुछ मेजर जो है मार्जिनल सी हैं, जैसे अरेबियन सी हो गया, बाल्टिक सी हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, बेरिंग सी हो गया, ब्लैक सी, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मेडिटेरियन सी, रेड सी, और इसके अलावा साइबेरियन सी में बैरेंट सी, कारा सी, लापटेव सी, ईस्टर्न साइबेरियन सी आते हैं। अब इसके अलावा बात करेंगे कि प्राइमरली जो है मार्जिनल सी और ओपन ओशियन में जो है डिफरेंस होता है वो उसकी गहराई और लैंडमास को लेकर होता है। मार्जिनल सी जो होता है वो या जो है सैलो होता है, कम गहरा होता है ओपन सी की अपेक्षा, यानी समुद्र की अपेक्षा जो मार्जिनल सी होते हैं वो कम गहरे होते हैं और छिछले होते हैं। और जो मार्जिनल सी होते हैं वहाँ पर जो है मानव एक्टिविटी द्वारा प्रभावित करता है, रिवर का प्रवाह होता है, यानी रिवर आके वहाँ पे मिलती है, क्लाइमेट का उस पर प्रभाव पड़ता है, वाटर सर्कुलेशन का भी उस पर प्रभाव पड़ जाता है। इसके बाद बात करेंगे मेजर इम्पॉर्टेंट सी की, जो वर्ल्ड में है हमने देख ही लिया था, ये लिस्ट है आप वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, अभी इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये कुछ मेजर इम्पॉर्टेंट सी की लिस्ट दी गई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अरेबियन सी। तो ये है अरेबियन सी की लोकेशन, इंडिया के जो है पश्चिम में अरेबियन सी है, यहाँ पर गल्फ ऑफ खंबात है, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ ओमान और गल्फ ऑफ अदन से घिरा हुआ, इधर इंडियन ओशन से घिरा हुआ अरेबियन सी। तो ये अरेबियन सी जो है नॉर्थन इंडियन ओशन से जो है, ये नॉर्थ पार्ट है इंडियन ओशन का, से घिरा हुआ है, और इसकी जो सीमा लगती है पाकिस्तान ईरान के साथ, गल्फ ऑफ ओमान साथ और गल्फ ऑफ अदन के साथ इसकी जो सीमा साझा होती है। और इसके बाद बात करें कि अदर फैक्ट की, तो जो साउथ वेस्ट बाई है सोमाली सी से घिरा है, ये सोमाली है, यहाँ सोमाली सी है, और ईस्ट में इंडिया से जो है घिरा हुआ है। और इसके अलावा बात करें अरेबियन सी की, तो पश्चिम में जो है अरेबियन सी जो है रेड सी से कनेक्ट है, और रेड सी और जो है अरेबियन सी जो है बाब अल मंदेब स्ट्रेट से कनेक्ट है, और गल्फ ऑफ ओमान की बात करें तो ये पर्शियन गल्फ से कनेक्ट होता है। ये हो गया अरेबियन सी। इसके अलावा बात करेंगे अंडमान सी। अंडमान सी प्राचीन काल में इसे बर्मा सी के नाम से जाना जाता था, ये एक मार्जिनल सी है और उत्तर पश्चिम में इंडियन ओशियन से अपनी सीमा साझा करता है, और इसकी जो कोस्ट लाइन एरिया है वो म्यांमार थाईलैंड के साथ गल्फ ऑफ मर्दमान तक जो है, पश्चिम में जो है मलया पेनिनसुला तक जो है फैला हुआ है। बे ऑफ बंगाल इसके पश्चिम में है, और अंडमान आइसलैंड और निकोबार आइसलैंड जो है इसमें स्थित है। यह है बे ऑफ बंगाल, यह है अंडमान सी। दक्षिण भाग, इसके एकदम सुदूर दक्षिण की बात करेंगे तो सुदूर दक्षिण में इसे ब्यूरी आइलैंड के नाम से जाना जाता है, और जो आइलैंड है ये उत्तर में सुमात्रा और मलक्का स्टेट के साथ जो है जुड़ा हुआ है। इसके अलावा बात करेंगे साउथ चाइना सी के बारे में। साउथ चाइना सी की बात करेंगे, साउथ चाइना सी जो है चाइना, वियतनाम, हनोई, मलेशिया, फिलीपींस साथ अपनी सीमा साझा करता है, और साउथ चाइना सी को लेकर बहुत सारी कंट्री के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, जिसमें इम्पॉर्टेंट आइसलैंड में जो डिस्प्यूटेड है पार्सल आइलैंड है,
स्पार्टले आइलैंड है। तो इन सब आइलैंड को लेकर जो है बहुत सारे जो है देशों के साथ जो है चाइना का जो है डिस्प्यूट चल रहा है। इसके अलावा इस मैप पे देखेंगे तो जो क्लेम करता है चाइना के साथ, इस पे वियतनाम भी क्लेम करता है, ब्रुनोई भी क्लेम करता है, मलेशिया इधर क्लेम कर रहा है अपने टेरिटरी को लेकर, कोस्टल लाइन को लेकर। और चाइना जो है अपने जो है 9 देशों के साथ जो है इसके विवाद चल रहे हैं। फिलीपींस अपनी जो है कोस्टल लाइन जो क्लेम करता है। इसका कारण ये है कि जो 200 नॉटिकल माइल इसकी जो है सीमा निर्धारित की गई है, तो ये छोटे छोटे आइलैंड होने के कारण इनका 200 नॉटिकल माइल पूरा ही नहीं होता। और चाइना एग्रेसिवली जो है अपना क्लेम जो है साउथ चाइना सी पर कर रहा है, तो मेन कारण ये है। इसके अलावा बात करेंगे ईस्ट चाइना सी की। ईस्ट चाइना सी भी एक मार्जिनल सी है जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, और ये ईस्ट चाइना में स्थित है। इसके अलावा जैसे हम ईस्ट चाइना सी की तरफ बात बढ़ेंगे तो जैपनीज आइलैंड का जो क्यूसो आइलैंड है, उसके अलावा रुकुयो आइलैंड है, तो इसके साथ लगता है। और साउथ चाइना सी की बात करेंगे तो पश्चिम में जो है एशियन कॉन्टिनेंट इसके साथ लगता है। इसके अलावा बात करेंगे सी ऑफ जापान जो है कोरिया स्टेट के साथ अलग होता है, और उत्तर में जो है येलो सी इसी ईस्ट चाइना सी में आके गिरती है। कंट्री की बात करेंगे तो इस चाइना सी के साथ साउथ कोरिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो ताइवान है उसे रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन वो ताइवान अलग कंट्री है। और रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है की सीमा जो है ईस्ट चाइना सी के साथ लगती है। लेकिन वर्तमान में जो है तनाव बढ़ गया है चाइना और जापान को लेकर, ईस्ट चाइना सी को लेकर। और उसके अलावा बात करें तो बहुत सारे बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं जापान के साथ, चाइना के साथ, अदर जो है ईस्ट एशियन कंट्री के साथ। और दोनों कंट्री अपनी मिलिट्री इंक्रीज कर रही हैं इसी एरिया में, साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में। तो यह है ईस्ट चाइना सी का मैप। ये साउथ कोरिया येलो रिवर, ये जापान का जो है आइसलैंड होकाडो, सॉरी जापान का जो आइसलैंड है सिकोकू, ये क्योसू है, ये रुकुकू है। इसके अलावा रुकुयू आइसलैंड जापान का, ये यहाँ तक छोटे छोटे आइसलैंड जो दिख रहे हैं कि यहाँ तक विस्तार है। तो इस पर जो है इसका डिस्प्यूट चल रहा है, ताइवान स्टेट, रिपब्लिक ऑफ चाइना या ताइवान देश अलग है। तो ये सब डिस्प्यूट देख सकते हैं इसके साथ। और इसी जो है उस पर आइलैंड पर नागासाकी स्थित है। अब बात करते हैं सी ऑफ ओकोटक। सी ऑफ ओकोटक भी एक मार्जिनल सी है जो पश्चिम महासागर में स्थित है, रसिया के जो कामचटका प्रायद्वीप है उसके पूर्व में कुरली आइलैंड के साउथ ईस्ट में स्थित है। जापान का होकाइडो यानी जापान का सबसे ऊपर वाला आइलैंड जो है वो होकाइडो है। होकाइडो जो है के दक्षिण में स्थित है। इसके अलावा बात करेंगे साकलिन जो है आइलैंड है वो पश्चिम में इसके साथ सीमा बनाता है। और उसके अलावा इसका सी ऑफ ओकोटक का विस्तार पूर्वोत्तर में साइबेरियन कोस्ट तक है। इसके अलावा बात करें कुर्ली आइलैंड की, कुर्ली आइलैंड जो है जापान आइलैंड तक विस्तार है, जो होकाइडो है यानी ये वाला रीजन जापान का सबसे नॉर्थ वाला रीजन, उसकी साउथर्न जो है सीमा बनाता है। और इसके अलावा रसिया का जो है कामचटका प्रायद्वीप है वो ओकोटक सी को नॉर्थ पैसिफिक सी से अलग करता है। और इसमें लगभग 56 आइलैंड और कुछ माइनर रॉक स्थित हैं कुर्ली आइलैंड में। चाइना जो है, और जो इसकी बात करें सॉरी जो ये कुर्ली आइलैंड है वो पूरे का पूरा इनस्टेबिलिटी यानी अस्थिर सर्किल में स्थित है। इसका कारण है कि वहां पर प्रशांत महासागर में 100 से ज्यादा वॉल्केनो एक्टिविटी हो रही है, और 15-35 जो वहां पर एक्टिव वॉल्केनो पाए जाते हैं जहां से हॉट स्प्रिंग जैसे फव्वारे निकलते रहते हैं।
और इसके अलावा अर्थक्वेक और टाइडल वेव के कारण जो है वहां के कॉमन फेनोमिना है कोडली आइलैंड को प्रभावित करने के लिए। ये जापान है, होकाइडो, ये कोडली आइलैंड है, ये सी ऑफ ओकोटक है, साकलिन आइलैंड है, कमचटका प्रायद्वीप है, ये बेरिंग स्टेट है, इसके अलावा इधर आ जाएंगे अलास्का आ जाएगा, ये एलेशियन आइलैंड है जो अलास्का से अलास्का का ही भाग है। तो ये आपको लोकेशन ध्यान रखनी है। इसके अलावा बात करेंगे एड्रियाटिक सी की, एड्रियाटिक सी मेडिटेरियन सी का पार्ट है और ईस्टर्न कोस्टल लाइन जो है इटली के साथ साझा करता है। इसके अलावा जो कंट्री है बालकान पेनिनसुला, स्लोवानिया साउथ से, इसके बाद क्रोशिया, मॉन्टेनिग्रो, अल्बानिया जो है इसके साथ जो है सीमा साझा करता है। बालकन जो प्रायद्वीप है, तो बालकन जो पेनिनसुला, बालकन पेनिनसुला ये है, बालकन पेनिनसुला में जो है बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोशिया, इसके अलावा थोड़ा बहुत मॉन्टेनिग्रो का भी पार्ट आ जाएगा। एड्रियाटिक सी के जो है इटालियन पेनिनसुला को जो है बालकन पेनिनसुला से अलग करता है और एड्रियाटिक सी जो है अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोशिया, इटली, मॉन्टेनिग्रो और स्लोवानिया के साथ जो है अपनी कोस्टल सीमा साझा करता है। अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन एक है ये कोस्ट लाइन यानी वाटर बॉडीज है, डेलिमेनेटियन कोस्ट लाइन। ये क्रोशिया का हिस्टोरिकली जो है पार्ट था। इसके अलावा बात करेंगे तो ये नैरो बेल्ट की तरह है, ये है, तो ईस्ट शोर पर जो है एड्रियाटिक सी और इसके अलावा ये अरब तक फैला हुआ है। उत्तर की बात करेंगे तो कोटर साउथ तक फैला हुआ है। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लैक सी, ब्लैक सी की बात, यह एक इनलैंड सी है यानी पूरा का पूरा क्लोज सी है। मेडिटेरियन सी पार्शली इनक्लोज्ड है, ये खुला हुआ है और ब्लैक सी क्लोज्ड है। और ये जो है सुदूर जो है दक्षिण पूर्व में यूरोप और पश्चिम किनारे पर जो है एशिया के स्थित है और टर्की के साथ जो है ये घिरा हुआ है। और ये जो सीमा बनाता है टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रसिया, जॉर्जिया के साथ ये सीमा बनाता है, ये ब्लैक सी है। अब ब्लैक सी में ही देख लेते हैं, ये सी ऑफ अजोब सी, इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा सी ऑफ मरमरा ध्यान रखना है, एजियन सी ध्यान रखना है। ब्लैक सी और सी ऑफ अजोब को बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है कनेक्ट करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्प्यूटेड रीजन में कैस्पियन सी की, ये भी इनक्लोज्ड यानी टोटली क्लोज सी है जो एशिया और यूरोप के बीच जो है सीमा बनाती है। इसमें ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, कैस्पियन, रशियन, ये एग्जाम में पूछा जाने वाला जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, कैस्पियन सी के साथ कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं, तो कजाकिस्तान, रशिया, ध्यान रखना उज्बेकिस्तान नहीं है, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इसके अलावा अजरबैजान भी नहीं है, सॉरी अजरबैजान है, आर्मेनिया नहीं है, जॉर्जिया भी नहीं आता है। तो 1, 2, 3, 4, 5 पांच कंट्री सी ऑफ कैस्पियन के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। अरल सी की लोकेशन आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा न्यूज क्वेश्चन पूछा जाता है। अरल सी जो है डेजर्ट में कन्वर्ट हो चुका है यानी पूरे का पूरा जो है यहाँ का पानी सूख चुका है। इसका कारण है इसमें जो आके नदियाँ मिलती थी अमू दरिया, सिरी दरिया, उनका मार्ग अमू दरिया और सिरी दरिया, इसमें जो नदियाँ आके दोनों नदी मिलती थी उनका मार्ग जो है डाइवर्ट कर दिया गया खेती के लिए, इंडस्ट्रियल रीजन के लिए जो है यूज करने के लिए, इसीलिए जो है अरल सी में पानी आता नहीं और जो है वो पूरा डेजर्ट में सम्मिलित हो गया है। इसके अलावा थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सी की बात करें मेडिटेरियन सी, तो ये पार्शली जो है इनक्लोज्ड है। इसके अलावा ये अटलांटिक ओशियन से कनेक्ट होता है। मेडिटेरियन सी जो है इसे देखिए इसमें लिखा है कम्प्लीटली जो है इनक्लोज्ड बाय लैंड है, लेकिन थोड़ा सा ये भाग जो है मेडिटेरियन सी से कनेक्ट हुई जो है जिब्राल्टर स्ट्रेट से जो है ये जुड़ता है, लेकिन अगर उस तरह आप देखेंगे मैप में तो पूरे का पूरा ये क्लोज सी है।
और उत्तर में, उत्तर जो है दक्षिण में जो है बात करेंगे यूरोप और एंडोलोनिया से घिरा हुआ है, और वहीं नॉर्थ अफ्रीका से भी दक्षिण में घिरा हुआ है। ईस्ट की बात करेंगे तो लेवेंट जो है से घिरा हुआ है। अब इसमें इंपॉर्टेंट लोकेशन देख लेते हैं मेडिटेरियन सी में, एडियाटिक सी, टेरियन सी, आयोनियन सी, लिगुरियन सी, और इसके अलावा यहाँ पे जो है जिब्राल्टर देख ही चुके हैं, एजियन सी। अब फिर से यहाँ पे देखना सी ऑफ मरमरा, ब्लैक सी, तो ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है। इसके बाद बात करेंगे अमूर रिवर की, तो ये सिल्कस रसिया से निकलता है और मांचूरियन रिवर। और ये सॉरी, इसमें एक स्लाइड जो है रिवर की आ गई है। तो जैसे हमने अमूर रिवर की बात कर रहे हैं, तो ये अमूर रिवर है जो एक चाइना में बैठती है। इसके अलावा बात करेंगे फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट सी की, सार्गेसो सी। सार्गेसो सी और कुछ नहीं, ये ड्रिफ्ट से बना हुआ एक क्षेत्र है और यहाँ पर सार्गेसो नामक घास पाई जाती है, तो इसीलिए इसे सार्गेसो सी कहा जाता है। लेकिन ये जो सार्गेसो सी मेनली जो है ओशियन करंट के द्वारा जो है बनता है, एक गायरो है रीजन है, तो वो पश्चिम में जो है गल्फ ऑफ स्ट्रीम, और नॉर्थ की बात करें नॉर्थ अटलांटिक करंट जो है, ईस्ट में कैनरी करंट, और साउथ की बात करेंगे तो वहां पर अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट की वजह से जो है ये गायर बनता है। गायर की वजह से यहाँ पे घास, एक घास पाई जाती है सी में, उसकी वजह से सार्गेसो सी कहा जाता है। और इसको जो है सार्गेसो सी का सामने ये जो राउंड राउंड घूम रहा है उसे नॉर्थ अटलांटिक गायर कहते हैं। यह एक ऐसा सी है जो है जिसकी कोई कोस्टल लाइन नहीं है। तो अभी हमने बात की नॉर्थ अटलांटिक की जो है, तो ये जो बन रहा है गायर, ये गायर बन रहा है यहीं पे है सार्गेसो, सार्गेसो सी। तो इधर आ जाती है गल्फ स्ट्रीम जो इधर निकलती है। इसके अलावा नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, इधर कैनरी कोल्ड करंट, तो एक प्रकार के ये जो राउंड बनता है से बनता है, और इन करंट की वजह से तो इसे गायर कहते हैं। तो गायर में ही जो है सार्गेसो सी बनता है। कैरिबियन सी की बात करेंगे तो ये एक ट्रॉपिकल सी है जो पूरे का पूरा पश्चिमी हेमिस्फीयर में स्थित है, और ये अटलांटिक ओशियन दक्षिण पूर्व में और मैक्सिको के साथ लगती है। कैरिबियन सी की जो सीमा है वो वेनेजुएला, कोलंबिया, पनामा दक्षिण में, सेंट्रल अमेरिका कंट्री यानी कोस्टरिका हो गया, निकारगुआ हो गया, ग्वाटेमाला, हुंडरस, बेलीज के साथ लगती है पश्चिम में। और उसके अलावा बात करें ग्रेट एंटलीज यानी ग्रेट एंटलीज या वेस्ट इंडीज में, जो बात करेंगे क्यूबा, जमैका, डोमिनिकन रिपब्लिक, प्यूर्टोरिको, और उसके अलावा लेजर एंटलीज जो ईस्ट में जो है एंगोलिया से लगता है। इसके अलावा बात करेंगे जो ईस्टर्न कैरेबियन सी है वो ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी से लगा हुआ है, तो ये है कैरेबियन सी, ये है लेजर एंटलीज, ये जो छोटा है, छोटे छोटे आइलैंड है। इसके अलावा बात करेंगे ये ग्रेटर एंटलीज है, ये जो बड़े आइलैंड है क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, और इसे वेस्ट इंडीज भी कहते हैं, इसे बहामास आइलैंड भी है। तो इन सब की लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा ये पनामा सिटी है, यहीं से पनामा कैनाल गुजरी है। अब इसमें जो है लोकेशन में आपको ध्यान रखना है, इसी तक देखिए चलिए, क्यूबा, जमैका साउथ में हैती थोड़ा नॉर्थ में है, तो वर्जिन आइलैंड, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें गल्फ ऑफ मैक्सिको की, गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है पार्शियली लैंडलॉक कंट्री है, लैंडलॉक सी है, जिसे दक्षिण पूर्व में जो है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से लगा हुआ है, और यह अटलांटिक ओशियन से स्टेट ऑफ फ्लोरिडा से कनेक्ट होती है।
और इसके अलावा बात करेंगे तो ये पेनिनसुला जो है फ्लोरिडा पेनिनसुला से, उसके अलावा क्यूबा आइलैंड के साथ कैरिबियन सी लगती है, और यूकाटन चैनल से जो है कैरिबियन सी के साथ लगती है, जो यूकाटन पेनिनसुला और क्यूबा के साथ सीमा बनाती है। डेड जोन इसलिए कि वहाँ पर जो है इस एरिया में बहुत ज़्यादा लो ऑक्सीजन पाया जाता है, और डेड जोन गल्फ मैक्सिको में जो है वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट है वो समाप्त हो रहे हैं, और मिसिसिपी रिवर द्वारा जो है उसके माउथ में जो है अगर जमा हो रहे हैं। नेक्स्ट रिवर की बात करते हैं, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, तो यूकाटन चैनल जो है कैरिबियन सी से कनेक्ट करता है। इसके अलावा बात करेंगे स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, क्यूबा और फ्लोरिडा पेनिनसुला, और यहीं से टॉपिक ऑफ कैंसर जो है गुजरता है। आज के बाद बात करेंगे रेड सी की, तो इधर रेड सी है, गल्फ ऑफ अदन है, और बाब अल मंदे जो है स्टेट से जो है ये कनेक्ट होते हैं। इसके अलावा ये स्वेज कैनाल है, और ये गल्फ ऑफ स्वेज कहा जाता है, गल्फ ऑफ अदाबा, जॉर्डन रिवर इधर मेडिटेरियन सी, और स्वेज कैनाल पर भी पोर्ट सईद स्थित है। और इसी में रिवीजन के साथ आप देख लीजिए खार्तूम बंदरगाह, यहीं पर वाइट नाइल और ब्लू नाइल आकर जो है मिलती है, इसके बाद ये नाइल रिवर कहलाती है। अब बात करते हैं आयोनियन सी। आयोनियन सी की लोकेशन यहाँ है, यह एडियाटिक सी के नीचे। आयोनियन सी जो है इनक्लोज सी है बाय मेडिटेरियन सी के द्वारा, और दक्षिण में एडियाटिक सी के साथ जो है ये पाई जाती है, बाउंड्री बनाती है, तो ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके बाद बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट सी के, कोरल सी की। कोरल सी जो है पूरा कोरल के साथ बना हुआ, जो ग्रेट बैरियर रीफ लार्जेस्ट बैरियर है वो रीफ सिस्टम का भाग है। ये ग्रेट बैरियर रीफ है, इसके ईस्ट में कोरल सी है, और इसी कोरल ग्रेट बैरियर रीफ का भाग कोरल सी है, और ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया में है। इसके बाद बात करेंगे तस्मान सी। तस्मान सी जो है मार्जिनल सी है, जो दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच स्थित है, और ये तस्मान सी जो खोदा गया था एबेल जॉनसन से, डच एक्सप्लोरर, उनके द्वारा खोजा गया था ये तस्मान वर्ड। उसके अलावा बात करेंगे तो जो ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे कैप्टन जेम्स कुक, बाद में जो है यहाँ पर जो है घूमते घूमते आए, और तस्मान सी की खोज 1770 में जो है खोजा गया, इसके पहले तस्मान आइलैंड की खोज की थी। तो ये तस्मान सी है, ये न्यूजीलैंड है, और ये तस्मानिया, ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट। तो ये कुछ मेजर सी है जो हम लोगों ने देख लिया। अब ये कुछ मार्जिनल सी है, उसकी लोकेशन जो आर्कटिक सी में जाकर आर्कटिक सी में स्थित है, बैरेंट सी, आयरिश सी। इसके अलावा अटलांटिक ओशियन में स्थित मार्जिनल सी, अर्जेंटीनियाई सी, कैरेबियन सी, इंग्लिश चैनल, गल्फ ऑफ मैक्सिको, हडसन बे, आयरिश सी, लेबराडोर सी, मेडिटेरियन सी, नॉर्थ सी, नॉर्वेजियन सी, स्कोशिया सी, और इसके इंडियन ओशियन में स्थित मार्जिनल सी की बात करेंगे, अंडमान सी, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, जावा सी, पेनिनसुला गल्फ, रेड सी, सी ऑफ जांच। इसके अलावा मेडिटेरियन सी की बात करेंगे तो एडियाटिक सी, एजियन सी, पैसिफिक ओशियन की बात करेंगे उसमें स्थित मार्जिनल सी, बेरिंग सी, सिल्बेस सी, कोरल सी, ईस्ट चाइना सी, फिलीपींस, जापान सी, सी ऑफ ओकोटक, और इसके अलावा साउथ चाइना सी। ये इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट जोन में आता है, यानी विवादित जोन है। इसके अलावा तस्मान सी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच, येलो सी जो है कोरियन पेनिनसुला जो है के बीच। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी की लिस्ट है जिसको हमने आपको स्पेसिफिक दी है, आप इसको देख सकते हैं। न्यूज़ में रहता है, प्लेसेस इन न्यूज़ में, तो आपको देखने में आसानी मिलेगी।
अदर सी की बात करें तो कैरेबियन सी जो है, कैरेबियन सी को भी मार्जिनल सी कहा जाता है समटाइम जो है, मेडिटेरियन सी जो है, इसके अलावा कैस्पियन सी जो है मार्जिनल सी के डिफिनेशन में लाया जाता है, और उसके अलावा डेड सी भी जो है मार्जिनल सी में गिना जाता है। तो यहाँ पर आपको मैं इम्पॉर्टेंट जो सी वाटर बॉडीज है उसकी लेक्चर समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर है वर्ल्ड का इम्पोर्टेंट स्टेट, यानी दो सी को जोड़ने वाला, या दो महासागर को, या दो वाटर बॉडीज पार्शली इनक्लोज इनक्लोज को जोड़ने वाला। वर्ल्ड ज्योग्राफी की लेक्चर हम लोगों ने 13 क्लास में समाप्त कर दी है। एनसीईआरटी के नेक्स्ट लेक्चर अर्थ की इंटीरियर जो संरचना है उसके बारे में अपलोड होने वाली है। वर्ल्ड का इम्पोर्टेंट माउंटेन का हमने अपलोड कर दिया है वीडियो, वर्ल्ड की इम्पोर्टेंट रिवर का भी लेक्चर अपलोड हो गया है। तो आप सभी का एक बार फिर चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इम्पोर्टेंट स्टेट के साथ।